हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय साईं नाथ। तो स्वागत है आप लोग को मेरा ब्लॉग प्रीति किचन्स ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ देसी स्टाइल में कि चाउमीन कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने चाउमीन को अच्छी तरह से उबाल लिया है और इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उसमें ये बंधा गोभी और ये सोयाबीन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च और काली मिर्च और सोया सॉस, टमाटर सॉस। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, सॉरी लहसुन, हरी मिर्च जो हमने काट के रखे थे और ये प्याज और ये बंधा जो पत्ता गोभी है उसे और सोयाबीन को हम लोग सबको एक साथ डालकर अच्छी तरह से भूंज लेंगे, फ्राई करेंगे इसे अच्छी तरह से। ये देखिए, हमने पत्ता गोभी को डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए, और इसी में हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और डाल के इसे हम अच्छी तरह से, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, हल्का लाल करेंगे क्योंकि चाउमीन में ज़्यादा लाल सब्जियां नहीं डलाते हैं। ऐसे ही हल्का सा इसे हम तेज़ फ्लेम पर इसे हम भूंजेंगे। ये देखिए, चलिए इसे हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए, हमारा जो है सब्जियां भून जा चुका है और इसमें हम नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार और इसके बाद हम इसमें अपना जो चाउमीन है उसे डालेंगे। तो ये देखिए, हमने नमक डालकर इसे मिला लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें अपना चाउमीन जो है उस हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारा सब्जी जो है अच्छा तरह से फ्राई हो चुका है, इसे हम इसमें अब चाउमीन ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने चाउमीन डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हम, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे अपना टमाटो सॉस, सोया सॉस, ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कोई ज़्यादा सोया सॉस डाल लेकिन ज़्यादा ना डालें। ये देखिए, हमने बड़े चम्मच से दो दो चम्मच लिए थे सोया सॉस और ये टमाटो सॉस। अब इसी में के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ब्लैक पेपर हल्का कूटा हुआ, और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये देख सकते हैं, और डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये देखिए। और हम इसे अच्छी तरह से एक और हम ये ले लेंगे चलाने के लिए और दोनों हाथों से इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और दोस्तों, अभी अपने घर में बनाए बहुत अच्छा लगता है देसी स्टाइल में। इस मैं इस सोयाबीन वगैरह डालकर बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगता है। आप भी अपने घरों में बना कर खाएँ। ये देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से इसे दोनों हाथों से ऐसे ही मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए, हमारा यम्मी सा चाउमीन बनके तैयार है। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगा और रेसिपी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना